अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो वीज़ ARY डिजिटल का नया ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्ज़ी के कुछ बिहाइंड द सीन्स और शूटिंग के मनाजिर आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हूँ। ड्रामा आजकल काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है आवाम में और ड्रामे के मेन कास्ट में दुरे फिशाम, मिकाल जुल्फकार, इसके अलावा जावेद शेख भी इसमें काम कर रहे हैं और ड्रामे को डायरेक्ट किया पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा सबा हमीद ने। उनकी सबा हमीद की सिस्टर हुमा हमीद भी इस ड्रामे में काम करी हैं जो कि अलीज़े की वालदा का करेक्टर प्ले कर रही हैं। ड्रामे की स्टोरी अलीज़े और शायरी के गिर्द घूमती है। अलीज़े जो कि अपना कैरियर बनाना चाहती है और बहुत एम्बिशियस लड़की होती है, उसके कुछ गोल्स होते हैं अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, लेकिन फिर अपने पेरेंट्स के इसरार पर वो शायरी से शादी कर लेती है जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। और सबसे ज़्यादा उनको सदमा तब लगता है जब शादी के बाद उसको ये पता चलता है उसकी शादी एक ऐसी फैमिली में हो चुकी है जिनके साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और वो किसी को भी तकलीफ देकर खुश होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता वह किसी के साथ क्या कर रहे हैं। शायरी का करैक्टर मिकाल जुल्फकार ने प्ले किया है जो कि एक बहुत ही पेचीदा करैक्टर है। शायरी का कुछ पता नहीं चलता वो किस टाइम पर क्या चाहता है और किस टाइम पर उसको क्या चीज़ नहीं चाहिए होती, बस वो ये चाहता है कि वो अलीज़े को अपना कैदी बना कर रखे और उसको उनके उसके ड्रीम से निकाल कर जस्ट एक हाउसवाइफ बना कर रखे, जैसे वो कहे वो वैसे ही करे। और इसके लिए वो बहुत से गलत रास्तों को भी चुनता है ताकि वो अलीज़े को उसके कैरियर से हटा कर सिर्फ घर में रहने वाली एक औरत बना सके। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग भी ये ड्रामा देख रहे हैं तो आप लोगों को इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक दिखने में तो इन दोनों का कपल बिल्कुल परफेक्ट और एक लविंग कपल लगता है लेकिन उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है उनके दरमियान में, स्पेशली अलीज़े जो कि शायरी के साथ शादी के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होती और समझ नहीं पा रही होती उसको अपनी आगे की लाइफ में क्या करना होता है। तो आप लोग ये जानने के लिए कि आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है, इसके आगे के एपिसोड्स देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आगे इसकी स्टोरी क्या मोड़ लेने वाली है। और इसी तरह की तमाम सोशल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।